हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडे सेशन। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है। सो आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कुछ नाउन्स लिए हैं और आप देख सकते हैं इन सब नाउन्स में कॉमन बात यह है कि ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको यही पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। जितने भी नाउन्स यहाँ मेंशन किए गए हैं दे ऑल एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, ऑलवेज आप इनका फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी नाउन के लिए हम सेंटेंस में कोई वर्ब यूज करेंगे वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ठीक इसी तरीके से जब भी आप इन नाउन्स के लिए कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम वहां उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में भी यूज करेंगे। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं ताकि आप इसे और क्लियरली समझ सके। सो हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ बाइनोकुलर। अब आपको पता है कि बाइनोकुलर में हमें यहाँ पे एस का यूज करना है ताकि आप इसे प्लूरल बना सके। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आई हैव गॉट न्यू सनग्लास। अगेन रॉन्ग, अब आपको पता है कि आपको यहाँ करना है सनग्लासेस और इस नाउन के लिए जो यहाँ इट का यूज किया गया है प्रोनाउन का वो इनकरेक्ट है, हमें यहाँ करना होगा देम। क्लियर, ठीक इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल में नाउ यू कैन सी ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउजर इज रॉन्ग, क्योंकि पेयर में होते हैं इसीलिए एस लगाना जरूरी है और इज का यूज यहाँ पे इनकरेक्ट है, हमें करना होगा प्लूरल वर्ब। आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर है। फाइन, ठीक इसी तरीके से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए रूल के साथ। स्टूडेंट, थैंक यू।